ये जो क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से, इसमें तीन इक्वेशन आपको एक्स वाई जेड की देंगे। आपको अगर कॉम्पिटिशन लेवल पे हो तो ऑप्शंस भी दिए होंगे, वो जो ऑप्शंस होंगे वो तीनों में रखने हैं, तीनों को सेटिस्फाई करेगा जो ऑप्शन वही होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पहली दो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तीसरी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, यस सर। तो अभी अभी हम लोग तो पूरा मेथड पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड। उस मेथड में क्या होता है, पहले आप ये फॉर्म बनाते हो, यहां से x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। ठीक है सर, यस सर। फिर ए इनवर्स निकालने का मेथड है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, और मोड ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर अपना गड़बड़ हो जाता है ना, इनवर्स एग्जिस्ट होने में गड़बड़ होती है। यस सर, इनवर्स। ठीक है, यस सर। चलो लगाओ इसको जल्दी जल्दी, सोचो। आया बेटा कुछ? डिटरमिनेंट कितना है पहले बताओ। सर निकाल तो दिया था, लेकिन लग रहा है गलत ही आ रहा है सर। डिटरमिनेंट निकाल दिया लेकिन गलत आंसर लग रहा है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती। अच्छा चलो अब टैली कर लेना। सर वैल्यू है सर 1, और जेड की वैल्यू है सर 3, और वाई की 61/17। ओके चलो अब देखते रहेंगे। ए की वैल्यू मेरे को साफ नजर आ रहा है 3 - 2 - 3, 2 - 1 - 1, 4 - 3 - 2, बी अपना 8 - 1, और एक्स तो अपना एक्स वाई जेड होगा ही यहाँ पे। ठीक है, यस सर। अब इसको डिटरमिनेंट बना करके वैल्यू निकालना है, ये हटा रहा हूं मैं सर। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा ये सब सॉल्व करके इससे? सर एक्स वाई जेड की वैल्यू सर आ गई 1, 2, 3। अच्छा 1, 2, 3 आ गई एक्स वाई जेड। -17 आ रहा है डिटरमिनेंट की। यस सर। अच्छा ये क्लियर है सबको, सबका आ गया रिजल्ट ऐसा? सर रिजल्ट भी लेकर आ। अब सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये सब, देख लो बस एक बार। यस सर, अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई है इनसे तो ठीक है। दो दो बेटा। यस सर, चेक करो। तो एक कम दो, चार कम चार, तीन छह, दो तीन छह। सर ठीक है सर, सेटिस्फाइज कर रहे हैं। अच्छा चलो अब नेक्स्ट देखो, यहां पर इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं, एक्स प्लस के वाई प्लस 3z = 0। सेकंड है 3x + ky - 2z = 0, 2x + 3y - 4z = 0। ठीक है, ये नॉन ट्रेवलर सॉल्यूशन है। कौन सा? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इक्वल टू जीरो जीरो है आपके? यस सर। देखो अब एक वर्ड यहां आप देख रहे हो, नॉन ट्रेवलर, ट्राइवल, नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कौन सा होता है? नॉन ट्रिवियल बोल दो, ट्राइवल बोल दो। देखो ये वो सॉल्यूशन है जिसमें जीरो 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 आंसर नहीं है तीन। इसके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो कई बार पॉसिबिलिटी है ये आंसर आना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आंसर जीरो 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 होता है। यस सर। क्योंकि क्योंकि ये हमेशा सेटिस्फाई करता है, इसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन।
ट्रिवियल, ठीक है। अब इसने बोल दिया नॉन, नॉन का मतलब ये आंसर नहीं है, फिर कुछ और है, ठीक है भाई जी। अब जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो डिटरमिनेंट जो है यूनिक सॉल्यूशन में जीरो नहीं होता, समझ गए? यस सर। यस सर। इसका मतलब इस वाले में अब डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो। चलो डिटरमिनेंट जीरो रख के के निकाल दो फटाफट, वन के थ्री, अपने पास थ्री के माइनस टू, टू थ्री माइनस फोर इक्वल टू जीरो रखो, के निकाल दो। के की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, देख लेना ध्यान से, सर के की वैल्यू आ रही है सर 33/2। 33/2 अब उसे यहां रखो। अभी देखना, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, जब हम याद कर रहे हो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, तो उसमें कंसिस्टेंट में दो केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, याद है कुछ? यस सर। यस सर। तो यूनिक सॉल्यूशन में तो एक ही टाइप का आंसर आता था जिसमें डिटरमिनेंट जीरो नहीं होती थी। यस सर। लेकिन अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो उसका एडजॉइंट से लेते थे। यस सर। अब उसमें एक केस आया था इनफाइनाइट का, कंसिस्टेंट कंडीशन। मैं एक मिनट देख ले, दिखा देता हूं। ये देखो, ये मैनी सॉल्यूशन वाला केस था, ये वाला एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आ जाता था, और मैंने इसी में कहा था कि कहीं ऐसी कंडीशन जब बनती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है तो आप जेड को या किसी एक को लैम्बडा वगैरह मान लेते थे और एक्स वाई की वैल्यू लैम्बडा की फॉर्म में निकाल दो। आ रहा याद मेरा, अब कहा हुआ? यस सर। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो, थ्री वेरिएबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, डिटरमिनेंट जीरो आ चुका है, एडजॉइंट ए और बी भी डिटरमिनेंट वो जीरो आ चुका है, ऐसी कंडीशन है, उस केस में जेड को वाई को एक्स को किसी एक को आप कोई कांस्टेंट मान, क्लियर हो ये बात? यस सर। वो लैम्बडा के म्यू आपकी मर्जी यार, अल्फा बीटा कुछ भी वो मानो, और बाकी जो रिमेनिंग दो हैं, जैसे मैंने जेड को ले लिया लैम्बडा, तो बाकी एक्स वाई बचे, तो एक्स वाई के जो आंसर्स हैं वो जेड की फॉर्म में आप बना, तो अब आप जेड बदल बदल के जब लिखोगे तो बहुत सारे रिजल्ट नहीं बचेंगे भाई। भाई जेड की वैल्यू 1 2 3 4 करना शुरू कर दो आप, क्लियर है? कोई भी रियल नंबर रखो तो बहुत सारे एक्स वाई बन जाएंगे मेरे, तो हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? यस सर। यस सर। अब देखो इस केस में, अब आप ये k की वैल्यू 33/2 इसमें रख दो। सर एक बार k की वैल्यू निकाल दो सर। है बेटा k की वैल्यू सर। अच्छा कैसे आई? जी बेटा इसका एक्सपेंशन डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, वरना पहले सबट्रैक्ट कर लो। एक तो लगा दो r2 - 3r1। बेटा डिटरमिनेंट सॉल्व करके आएगी ना की वैल्यू? हाँ सर, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा मैं नवी भाई क्या सर, मेरा नहीं आ रहा है ना डिटरमिनेंट सॉल्व करके। अच्छा, से ये दो एप्लीकेशन लगा लो आप, अब ये दो एप्लीकेशन लगाते ही आर वन तो ऐसे ही रहना है बेटा, और ये कैसे बनेगा देखो, जीरो, ये भी जीरो, ये के माइनस थ्री के बनेगा, क्यों? तो माइनस टू के, ठीक है, और ये थ्री माइनस टू के, यहां ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस के 11 और ये माइनस के 10 इक्वल टू जीरो रखोगे,
अब बस एक्सपेंशन में इतना ही तो काम करना है आपको मल्टीप्लाई करके। जी सर अब आ गया समझ में? यस जी जी। अब ये के की वैल्यू आ गई, इस के की वैल्यू को मैं यहाँ के प्लेस पे रख रहा हूँ। जरा के प्लेस पे रख के इक्वेशंस बना लो, मैं भी बना रहा हूं आप भी बनाओ जल्दी से। ये हटा दूं इधर का? यस सर। फटाफट इक्वेशन बनाओ जल्दी से आप लोग भी। x plus 33 y by 2 plus 33 z equal to 0, 3x plus 33 y by 2 plus 3 बन गया। ऐसा ही कुछ आया होगा। Yes, sir, I'm saying yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब इसमें किसी एक को आप जेड ले लो, मान लो सॉरी लैम्डा ले लो, मैंने ये लैम्डा ले लिया, किसी को भी ले सकते हो। यस सर। यस सर। अब देखो कैसे बनने वाली है। अब ये लैम्डा बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे ये? लैम्डा लैम्डा लैम्डा। अब इन दोनों से आप एक्स वाई निकाल सकते हो लैम्डा की फॉर्म में। यस सर। देखो माइनस फोर एक्स प्लस टेन लैम्डा इक्वल टू जीरो। यस सर। भाई इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। वाई वाई का आंसर वाई कट गए। Yes. माइनस फोर एक्स उधर टेन, तो एक्स इक्वल टू फाइव लैम्डा अपॉन टू। क्या कहते हो? ठीक है। यस सर। यस सर। और इसे यहां रख दो तो वाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन थ्री। देखना जरा सही लिखा मैंने। यस सर। ठीक है सर। तो एक्स वाई जेड आ गए मेरे लैम्डा की फॉर्म में। यस सर। तो यही अपना आंसर बन जाता है। अब आप लैम्डा को डिफर करते चले जाओ, बदलते चले जाओ। यस सर। लैम्डा बदलता जाएगा तो अपने आप की वैल्यू एक्स वाई जेड अलग आ जाएंगी। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिख रहा है मुझे? माइनस सर, डिटरमिनेंट में माइनस टू ए ए प्लस बी, माइनस टू ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस ए माइनस टू बी बी प्लस सी सी प्लस ए सी प्लस बी माइनस टू सी। ये प्रूव करना है। क्या ये क्लियर है? यस सर। बस आप यहाँ याद रखना, इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है जी, चलो लगाओ। अब एक चीज और सीख लो, ये जो आरएचएस है ना, इसमें a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए है, ऐसे हैं जी। यस सर। यस सर। बेटा ये इसके फैक्टर हैं, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट के फैक्टर हैं ये सब, क्योंकि आंसर है जी। तो उस केस में कई बार ऐसा भी मिलेगा पढ़ने को कि b प्लस सी जीरो रखा और b की वैल्यू माइनस सी रख लिया हमने, और देखा कि ये तो जीरो बन गया, इससे मतलब इससे ये सॉल्व हो गया। कई बार ऐसा होता है, वैसे जनरली ये एक्स की जो फॉर्म होती है ना उनमें हुआ करता है, एक्स की इक्वेशंस टाइप। ठीक है जी। यस सर। चलो इसे प्रूव करो आप फटाफट फटाफट।
अब ये है क्वेश्चन, सर इनके साइन है कुछ वो नहीं दिख रही है। अब ठीक है, साइन है क्या कोई आगे वो दिख नहीं रही बस। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अपने पास एक ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी के ट्रायंगल के कैपिटल लेटर से एंगल रिप्रेजेंट है एबीसी, ठीक है। और ये वैल्यू आपको पूछी गई है, दी गई है, मतलब साइन टू ए साइन सी साइन बी साइन सी साइन बी साइन टू बी साइन ए साइन टू सी और यहां पर अपना साइन है और ये इक्वल टू अपने पास है जीरो। क्या है अपने पास इक्वल टू जीरो। ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलो ध्यान से करेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। दूसरी चीज, साइन रूल कोस रूल याद है कुछ? जी चलो लगाओ, जितना भी हो सके ट्राई करो, अदरवाइज तो फिर आगे बढ़ेंगे ही। इसे सिमेट्री फॉर्म में याद कर सकते हो तो ये याद भी कर सकते हो आप किसी ट्रायंगल एबीसी के लिए, कि ये क्वेश्चन पीक्यूआर के लिए भी हो सकता है। अब ये सिमेट्री कैसे याद रखना है, डायगोनल एलिमेंट आप देख लो एक बार, दिख गए? यस सर। साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी दिख रहे हैं? यस सर। और बाकी सिमेट्री सी नजर आ रही है नहीं आ रही? देखो ध्यान से, सिमेट्री फॉर्म है सिमेट्रिक। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसका एक्सपेंशन जीरो आएगा अगर ये ट्रायंगल है, बस तभी। अगर ये ट्रायंगल ना बोले तब तो कुछ भी कहानी हो सकती, तो इसे ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है बेटा? यस सर। अदरवाइज इसमें करेंगे क्या क्या, एक तो आपको याद होगा साइन टू ए का फॉर्म याद है। अब एक ये भी थे ना अपने पास, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन रूल। यस सर। एक ये यूज होगा इसमें कि आप इसमें इक्वल टू के ले लो, इसका मतलब साइन ए जहां लिखा है वहां क्या लिख सकते हो? के। ऐसे ही साइन बी के प्लेस पे कौन आ सकता है? के बी। और साइन सी क्या बन सकता है मेरे बच्चों? के सी। क्या दिक्कत है कोई परेशानी? नो सर। आगे चले? यस सर। चलो दूसरा केस देखते हैं। एक होता प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कौन सा? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, ए जो होता है ए साइड उसे लिख सकते हो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये देखो जरा ध्यान से, आ रहा है समझ कुछ? सपोज अगर मैं बी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो जो साइड यहां गई वो उधर नहीं आना है, तो इधर क्या आएगा a cos c प्लस c cos a, ठीक है? क्यों बेटा? यस सर। यस सर। ऐसे ही अगर c लिखना चाहोगे तो
सी होगा तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए ए, ठीक है। यस सर। अब सबसे पहले क्या करोगे, ये जो साइन टू ए वगैरह है इसकी जगह कौन आएगा, टू साइन ए कॉस ए, क्या कहते हो? यस यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। फिर बेटा इसमें अपना साइन रूल आ जाएगा, जहां जहां साइन ए है वहां ये रखोगे, साइन बी ए साइन सी ए। दूसरी चीज फिर आप ध्यान से देखोगे तो कि केवल कोस कोस बच गए, बाकी सब तो अपने के बन गए या एबीसी बन गए, ठीक है भैया? तो वो के एबीसी बन जाएंगे या कोस रह जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी, बीच वाले टर्म में ये डायगनल में हो गया। Yes, उसके बाद अपना कॉमन कॉमन वगैरह चेक कर लेंगे, के कॉमन हो जाएगा तीन बार। यस सर। यस सर। के स्क्वायर इक्वल टू में बन जाएगा अपना। यस सर। अब ध्यान से सोचो, क्या के स्क्वायर है कहीं आरएचएस में, ऐसा कोई नंबर आ रहा है? के नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कोई कांस्टेंट आ रहा है इक्वल में? जीरो। इक्वल में तो जीरो है, तो इसी से भी एक आइडिया लग सकता है कि ये जो के स्क्वायर है तो खत्म होगा कहीं। यस यस सर। खत्म एक ही तरीके से हो सकता है जब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए। यस सर। है ना, तो यहाँ भी एक इंडिकेशन है कि भाई जीरो हो सकता है आंसर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं कोस ए कोस बी कोस सी पर विचार करूंगा तो यहाँ एक रास्ता मेरे पास है कि कोस रूल लगा दूं क्या? कोस रूल कितनों को पता है क्या होता है? वो होता है जैसे मैं मान लीजिए कोस ए निकाल रहा हूं तो ये ए के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, बीसी ये लगा सकते हो आप तीन, जहां जहां कोस ए कोस बी कोस सी है ना डायगनल एलिमेंट में जी। फिर जब इनको आप लिखने के बाद एडजस्टिंग करने पे आओगे, सब कटपिट हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में और जीरो आ जाएगा, ठीक है? यस सर। यस। अब सॉल्यूशन जो है हमारे पास, मैं वो दिखा रहा हूं, ये अपने पेस की बुकलेट का ही है। चलो मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उन्हें वही खोला गया साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले, टू साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी टाइप, ठीक है? यस सर। भाई टू साइन ए कोस ए टू साइन बी कोस बी टू साइन सी कोस सी डायगोनल एलिमेंट, साइन ए के प्लेस पे साइन रूल रखा गया है के ए के बी के सी, जो साइन ए है उसे के, साइन बी को के बी, साइन सी को के सी, उसे रखने के बाद यहां आ गए, ठीक है? बीच वाली लाइन में ये वाली लाइन आ जाएगी डायगोनल, ये हो जाएंगे के ए के बी के सी सब जगह पर, और के क्यूब हो गया अपना कॉमन, क्या हो गया के क्यूब अपना कॉमन, कॉमन हो गया। उसके बाद अपना कॉस रूल याद करो, मैंने अभी बताया सी के प्लेस पे ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, इस तरह से रखेंगे। यस सर। बेटा ये चीजें इन्होंने ऐसे ही रखी हैं, और ये टू डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होता है, डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा शायद। यस सर। डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है बेटा? तो ये टू डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है, बस यहीं पे आपके ये दो कॉलम जीरो बन गए, दिख रहे हैं आपको जीरो कॉलम ये? यस सर। बस अब किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई रो कॉलम जीरो जीरो आ जाते हैं तो पूरा ही रिजल्ट जीरो हो जाता है भाई। यस सर। बस ये सिंपल एक कंसेप्ट बाद में अप्लाई हो गया है। हाँ, बीच की स्थिति थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका साइन रूल भी लगा रहा है, कोस रूल भी लगा रहा है, प्रोजेक्शन टाइप के भी लग सकते हैं इसके अंदर, मतलब कई टाइप से जा रहा है, ठीक है? और हमने शायद बात की थी कि कॉम्पिटिशन का मतलब है मेंस या एडवांस, जब भी आप जा रहे हैं दो या दो से ज्यादा कंसेप्ट लगते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, जो तालमेल नहीं होता जनरली उनका, लेकिन हाँ एप्लीकेशन दो तीन जगह दो तीन चीजें एक साथ लग जाती है, ठीक है? यस सर।
यस सर। चलो एक सिंपल सा आ गया है। देख ले रहे सर, नहीं देख रहे। चलो मैं बताता हूँ, एक मैट्रिक्स है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री वन, माइनस एक्स प्लस टू वन, और एक्स के लिए वैल्यू पूछ रहा है। बेटा एक्स की वैल्यू पूछी है उसमें। तो इसमें ये एक तो केस बन जाएगा अपने पास, क्योंकि ये एक्सपेंशन नहीं जाता है बेटा। यस आपको हर जगह कंपेयर करना है ये, क्योंकि सभी जगह एक्स इन्वॉल्व है। अब सबसे एक्स की वैल्यू निकाला जाएगा और चेक किया जाएगा कि कॉमन आंसर किसकी वजह से बनेगा सारा। यस यस सर, ए है सर इसका आंसर। हाँ, ये वन ऐसा है जो सबको सेटिस्फाई करे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे दो ऑप्शन है सर, ए और बी। हाँ नहीं, ए ही सेटिस्फाई करेगा बेटा, बी वाला तो गड़बड़ कर देगा कहीं। अरे साइन बी भी ए की है सर। सर ए और बी सेम है, वन वन नहीं है, माइनस वन है, साइन भी दे रहा है। अच्छा जी, समझ को लगा था। ये अपनी वही है, पेस की बुकलेट का ही है, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है कुछ? साइन नहीं दिख रहा है। चलो एक एक मैट्रिक्स है अपने पास, ये इस बार थोड़ा बड़े ऑर्डर वाली है ना, बड़े ऑर्डर वाली है बेटा। ये 3x3 ऑर्डर होता था ना जनरली, ये 4x4 ऑर्डर की है। जी सर जी। और इसने कहा ट्रेस जो होता है इसका TR ऑफ A इक्वल टू 0 है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितनों को याद है? यस सर जी, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। हां, डायगोनल्स का सम कितना? 0। सॉरी सर, सम 0। हां लगाओ जरा, एक्स की वैल्यू निकालनी है फिर आपको। डायगोनल ये दिख रहे हैं ना मेरे को? अब बेटा ये सिक्स है लास्ट में सर। दो वैल्यू आ रही है, माइनस थ्री और प्लस टू। तो ये सी ऑप्शन है हमारे पास, माइनस थ्री कोमा टू, सी ऑप्शन है बेटा ऐसा। यस सर। दिख रहा है सबको? यस सर। आ गया बेटा? यस सर। ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके? यस सर। सर ये सी ऑप्शन ये है, इक्वल टू ए बीच में। हाँ ये सी ऑप्शन करेक्ट है। यस सर, इक्वल है तो सही। और यही चीज इनवर्स में होती थी। यस सर, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। और यही चीज एडजॉइंट में भी होती है। यस सर। यस सर। अब ये देखिएगा, अगर एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है yes, ठीक है, तो के ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए एन माइनस वन पावर में। ये था बेटा, एडजॉइंट इक्वल टू ये के पावर ए होना था, ठीक है। यस सर। तो आगे बढ़े हैं। yes,
देखो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 10x - 10x1 और मैंने डिटरमिनेंट निकालना है इसका, ये वैल्यू पूछी है, करो ध्यान से। ठीक है yes. आगे चले yes, sir. चलो ये अपने पास एक फॉर्म है, (1+sin²x)² (2sin²x) मैक्सिमम वैल्यू। पहले इसको जीरोस बनाने की कोशिश करो, इनको सब्ट्रैक्शन वगैरह लगा करके सिंपल बनाओ, बहुत सिंपल बन जाएगा, पहले बता रहा हूँ बहुत सिंपल बन जाएगा ये। उसके बाद केवल एक फॉर्म रह जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें साइन कोस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक कर लेंगे बस। यस सर। इस तरह का एप्लीकेशन चेक करो। इसके बाद R3- भी कर सकते हो क्या? ये R2+R2-R3 लगा लो, या ये ऐड भी कर सकते हो आप, ये दोनों ऐड करके भी कर सकते हो। सर ये आ रहा है 2+4sin²x ग्रेटर देन 6। 2+sin सर 4sin²x ये आ रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, 1+2sin²x हो जाएगा। यस सर। अब उसने कहा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये 1 हो। यस सर। तो बेटा ये 1 होगा तो ये ऐसे नहीं बनने वाला, 1+2 और बाहर अपना 2 6 आ रहा है। हां बी ऑप्शन मेरे पास 6 है। यस सर। क्यों बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। आगे चले। यस सर। अब मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और एक्सप्लेन कर दूं बस। ठीक है yes. देखो कोई डिटरमिनेंट है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी डेल्टा अपॉन डी एक्स टाइप का, ये पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स, और इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं आर वन आर टू आर थ्री, देख रहे हो आप? जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पहली रो का डिफरेंशिएशन करेंगे आर टू आर थ्री को ऐसे ही छोड़ दें, क्लियर है?
इसके बाद पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अब की बार R1 ऐसे ही रहेगा, R2 डिफरेंशिएट होगा, R3 सेम रहेगा। थर्ड वाले में R1 एज इट इज, R2 भी, R3 को डिफरेंशिएट करना है। इसको करना है लास्ट वाले में, R3 को डिफरेंशिएट R3। ठीक है, यस सर। आ रहा है कुछ? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी इस तरह से पॉलिनोमियल फॉर्म्स, एल्जेब्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी है, किसी भी वेरिएबल में आपको फॉर्म्स दे दें वो और कहें भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, तो एक तरीका तो है कि मैं डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लाऊं और एक प्रॉपर, जैसे जनरल आप डेरिवेटिव करते हो, ऐसे पॉलिनोमियल या कोई भी एक फॉर्म बना उसको डिफरेंशिएट कर दूं। या ऐसा कर सकता हूं कि पहले पहली रो को डिफरेंशिएट करो बाकी दो ऐसे ही, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, फिर प्लस करते हुए सेकंड और फर्स्ट सेम छोड़ दो और आर थ्री को डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव कर दो, उसके बाद एक्सपेंशन कर लो सबका या उन्हें सिंप्लीफाई कर लो। सही है बेटा? यस सर। यस सर। अब यही चीज इंटीग्रेशन में अगर आ जाए तो इंटीग्रेशन में ये रूल लागू नहीं होगा। अब ये याद कैसे रखना है आपको? याद ऐसे रखना है कि मान लो तीन रो हैं आपके पास, इंटीग्रेशन का रूल है, तीन रो हैं, तो या तो आप एक्सपेंशन कर लाओ उसको, पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लाओ फिर आप इंटीग्रेट करो। डन? यस सर। अदरवाइज आप अगर एक रो में है, किसमें है, एक रो में है एक्स वाली फॉर्म, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, कोई सी फॉर्म हो, एल्जेब्रिक फॉर्म हो, अगर वो वेरिएबल फॉर्म किसी एक रो के अंदर है तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, बाकी दो को ऐसे ही छोड़ दो। यस सर। क्लियर हो रही है बात? यस सर। मतलब ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर ये वाली आर वन जो है इसी में ही है, तो आप ऐसे कर दो, इंटीग्रेशन सबका अलग है। कर दिया? यस सर। लेकिन अगर एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम के अंदर एल्जेब्रिक फॉर्म है या वेरिएबल फॉर्म है, तब आप ये मत करना, पहले उसे एक्सपेंशन करना उसके बाद इंटीग्रेशन। जी ठीक है, डिटरमिनेंट की तरह यूज नहीं करना है। क्लियर होगी बात? यस सर। यस। चलो अब मैंने कहा था समेशन वाला टाइप भी पढ़ेंगे हम लोग। सर इंटीग्रेशन एक और बार बता दीजिए थोड़ा। इंटीग्रेशन में जब आपको ऐसे दे दिया जाए P Q R L M N X Y Z और ये एक डिटरमिनेंट है, इसमें ये PX QX और RX टाइप के हैं, ये है वेरिएबल। यस। तो इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दोगे अगर आप ऐसे इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं इस तरह से। यस सर। ऐसे बाकी नीचे वाले L M N X Y Z इन्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है? Yes. लेकिन ये रूल तब लागू होता है बस इस तरह का, जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अंदर ही वेरिएबल फॉर्म, अगर एक से ज्यादा रो कॉलम के अंदर है तब ये रूल नहीं लगेगा, पहले सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट को, पहले सॉल्व करके लाओगे, वैल्यू निकालेंगे। हाँ, वैल्यू निकाल लोगे डिटरमिनेंट की, वो एल्जेब्रिक आए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आए, किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन पहले उसे सॉल्व करूंगा मैं, फिर अपना इंटीग्रेट करूंगा। यस सर। यस। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखो ध्यान से इसको। क्या मुझे नजर आ रहा है? यस। इसमें आपको सिग्मा डेल्टा आर पूछा है, जीरो से एम तक डेल्टा आर, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो, वन,
टू थ्री। क्या मैं समझ पा रहा हूँ क्या लिखा मैंने? Yes. सबको क्लियर है यहाँ तक? क्यों बेटा? Yes, अब थोड़ा फोकस करो। कहाँ फोकस कर रहे हैं? जरा पीछे आते हैं, थ्योरी पे आते हैं, जरा थ्योरी डिटरमिनेंट की थ्योरी पे आते हैं। डिटरमिनेंट की जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने एक ऐसा पढ़ा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई रो या कोई कॉलम कुछ टर्म के सम से बना हुआ है तो जितने सम से वो बने, मान लो दो चीजों के प्लस से बना है तो मैं दो डिटरमिनेंट स्प्लिट कर सकता था। बीच में प्लस का साइन लगा, याद है सबको? यस सर। अगर ऐसे तीन टर्म हो तो तीन डिटरमिनेंट, तीन डिटरमिनेंट, चार है तो चार, यस ऐड कर देंगे। अब उल्टा सोचो, अगर चार डिटरमिनेंट हैं और उनकी दो रो या दो कॉलम एक से हैं तो ऐड करेंगे, तो उन्हें ऐड करके एक डिटरमिनेंट बन सकती है। यस नो? यस यस सर। अब जरा इस डिटरमिनेंट को देखो और ये फॉर्म चेक करो। इसने कहा जीरो, जब मैं ये जीरो रखूंगा तो मैं तो आर के प्लेस पे जा रहा हूँ जी, और इसके हिसाब से r इक्वल टू वन, इसके हिसाब से r इक्वल टू टू, ऐसे तो जाऊंगा। यस सर जी। यस नो? यस सर। अब बस फोकस करो, आप यहाँ ढूंढो कि r कहाँ है। r तो फर्स्ट रो के अंदर है बस। यस सर। यस सर। इसका मतलब दोनों रो सेम रहेंगी। यस सर। अब यही बात रिकॉल कर लो जो अभी थ्योरी पढ़ के सोच के बात कर रहा था मैं, कि अगर कोई रो या कॉलम दो के सम से बनती है तो अलग अलग टूटते हैं तो अलग अलग वाले जुड़ भी तो जाने चाहिए एक साथ। यस सर जी। तो क्या मैं ऐसा मानूं कि जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो एक डिटरमिनेंट बना लूंगा? यस सर। सोच लो। यस सर। बना लूं एक? अब बेटा एक डिटरमिनेंट बना रहा हूं, ध्यान देना, ये सिग्मा वाली, ये एस वाली सिग्मा वाली, इसकी दोनों रो सेम रहेंगी और पहला एलिमेंट याद करो जीरो रखो, क्या बनेगा इसमें? कौन सा जीरो? माइनस वन। माइनस वन। यस सर। आर की जगह वन रखोगे तो क्या आएगा? आर की जगह वन, वन। फिर आर की जगह टू रखोगे तो थ्री, थ्री। उसके बाद Five. ऐसे जाएगा? यस नो? यस सर। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है वो इस तरह से ऐड करके बन जाएगा सीरीज। यस सर। अब पहुंचो एनसीआर वाला, दूसरा दूसरा दूसरा, ये दिख रहा है मेरे को एमसीआर? यस सर। हाँ, ये हो गया एमसी जीरो जी, एमसी वन जी, एमसी टू डैश डैश। यस सर। समझ रहे हो जी? अब बेटा लास्ट वाला तो क्या है अपना? वन। तो ये ऐसे नहीं जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस, ऐसे जाएगा ये तो एंड तक। यस जी। बाकी कौन कौन है? एम स्क्वायर माइनस वन, टू पावर एम, एम प्लस वन। यहाँ पे आ जाओ। साइन स्क्वायर एम स्क्वायर, साइन स्क्वायर एम, एम प्लस वन के साथ साइन। किस किस को डाउट है अभी तक? चलिए लास्ट में साइन स्क्वायर एम प्लस वन है। हाँ, ये वाली चीज साइन स्क्वायर एम प्लस वन। हाँ, साइन स्क्वायर बेटा। बेटा इसे जरा सोचना, बाइनोमियल में पढ़ के आया हूँ मैंने, एक्सपेंशन करते समय समझाया था ये। सर ये वो है उसका फॉर्मूला सर, टू की पावर एम बन गया। यस सर। यस सर। बेटा ये कितनी टर्म बनेंगी सोचो आप। ये देखो, ये जो डेल्टा वाला केस है ना, जीरो से एम तक है, एम टर्म, तो एम प्लस वन टर्म बनी। यस सर। सोचो भाई, मैं कहता हूँ वन से टेन तक के नंबर बताओ कितने हुए? टेन नंबर हुए। यस सर। टेन। अब मैं कह दूं जीरो से टेन तक बताओ तो इलेवन नंबर हो गए। यस सर। तो एम प्लस वन
एक ज्यादा टेन प्लस वन से जीरो जीरो से तो बेटा ये एम प्लस वन यहाँ पे भी yes, sir. और बेटा जब इसमें सम ऑफ एम टर्म लगाओगे ना सम ऑफ एम प्लस वन टर्म एपी में तो ये बन के आएगा एम स्क्वायर माइनस वन यस यस सर अब आप देखो कि फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ गई जीरो yes, जब दो रो या दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल हो या इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो और रेशियो सेम हो जीरो जीरो तो इसका आंसर क्या आएगा एक तरह से जीरो ये जीरो हो गया क्लियर है यस सर यस सर बेटा स्क्रीनशॉट बना लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाकई में डन सर यहाँ पर इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू फिर है सेकंड टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू थ्री थर्ड है थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस के जेड इक्वल टू फोर उसने कहा यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन में डिटरमिनेंट क्या नहीं हो सकती जीरो जीरो नहीं होगी अरे इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगी चलो फटाफट के की वैल्यू निकाल के दिखाओ जीरो नहीं होगी जरा आर वन आर टू देखना मैंने क्या कर दिया नई चीज सिखा रहा हूँ नई बात बता रहा हूँ देखो ध्यान से आर वन आर टू दिख रहे हैं मेरे लिखे हुए आर वन आर टू आर थ्री यस सर बेटा एक चीज चेक करो अगर आर वन ध्यान से देखना आर वन और आर थ्री को देखो तो थ्री टू जीरो के ऐसे लिखा है ना यस सर यस सर अब एक बात बताओ अगर के की वैल्यू आप जीरो रख दो यस सर तो ये जीरो आ जाएगा यस सर लेकिन मैं कहता हूँ मुझे जीरो नहीं चाहिए यस सर इसका मतलब के की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए यस सर यस सर तो कैसा लगा ये भी एक बढ़िया तरीका है पूरा एक्सपेंशन पे गया ही नहीं मैंने दो रो एक से बना दी और कह दिया के ये छोड़ दोगे तो बाकी सब पे वो जीरो नहीं होगा ऑप्शन तो जीरो की जगह अगर वन टू थ्री फोर हो तो ये जीरो नहीं आएगा यस सर और जीरो रहेगा तो ये जीरो भी आ जाए जीरो आएगा यस सर आगे चले यस सर ये भी बहुत ही बढ़िया वाला है दिख नहीं रहा सर क्लियर चलो मैं एक डिटरमिनेंट बताता हूँ यहाँ पर डिटरमिनेंट बना देता हूँ एफ एक्स जो है डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको दे रखा है कॉस एक्स एक्स वन टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स टेन एक्स एक्स एंड वन और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स पूछा है ध्यान से करना बहुत आराम से अच्छा क्वेश्चन है सर जीरो है हाँ जी बिल्कुल सही और किसी का आया देखो सबसे पहला काम यहां से एक्स कॉमन ले सकते हो बीच के कॉलम से यस सर आ गया और वो है जब एक्स आएगा तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा एक्स यस सर और बाकी केसेस में क्या अप्लाई कर दोगे यहाँ पे अब डिटरमिनेंट जीरो रख करके एक्सपेंशन कर देना काम बच जाएगा ठीक है यस सर आगे चलो यस सर आपके पास तीन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वन है सेकंड
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये भी अपना वन। और थर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन, तीनों एक जैसे ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं। एबीसी रियल नंबर्स हैं। एबीसी क्या है? रियल। ठीक है भाई, अब बताना ये सिस्टम जो है इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखो करने को तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो सीधा सीधा सा जाएगा कैसे, डिटरमिनेंट बनाते हैं वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर। डिटरमिनेंट को कुछ मान के कर सकते हैं, कुछ मान के कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, इसे कैपिटल एक्स वाई जेड ले लो आप। यस सर, या पी क्यू आर कुछ भी। हाँ पी क्यू आर ले लो, कैपिटल एक्स वाई जेड ले लो, ऐसे कुछ भी ले लो। तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी देखो, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू वन माइनस क्यू, ऐसे। यस सर, यस सर, ऐसे बन गई। सेकंड वाली क्या बनेगी, पी माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू वन। और तीसरी वाली पी प्लस क्यू प्लस। सर अब आसान हो जाएगा। अब जैसे इन दोनों को ऐड करोगे p की वैल्यू क्या आ गई, वन। लो एग्जिस्ट हो गया है तो। यस सर, डन। यस सर, लेकिन p की वैल्यू है किसके इक्वल, तो इसका मतलब एक्स के दो रिजल्ट बनेंगे। तो ये हो गया फाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर आ रहा है। यस सर, ठीक है। यस सर, यस सर। देखो इस केस के लिए यूनिक सॉल्यूशन, इसके लिए यूनिक, लेकिन बेटा यहां जाकर के स्प्लिट हो गई ना, गड़बड़ हो गई। यहां दो रिजल्ट बने उसके, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, यस। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। आगे चले। यस सर, यहां पर आपको डिटरमिनेंट दी हुई है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू। ये अपने अपने पेज की बुकलेट का ही है, उसका ही अपना पीडीएफ से। इसमें इक्वल टू एक फॉर्म दी हुई है और एबीसीडी के बारे में बात हो रही। आप देख रहे हैं ना एबीसीडी ऐसे करके लिखे हुए हैं। यस सर, यस सर। तो बेटा ये जो है इसमें yes. पूछा गया ऐसे आगे भी चला जाएगा प्लस टी ई एक्स प्लस एफ, है ना। इधर लिखा है करो लेफ्ट में जी। यस सर, बेटा ये एफ की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब ये बहुत सही सी बात समझ लो, तुमसे एफ की वैल्यू पूछ रहे हैं इसका मतलब कांस्टेंट पूछ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, एक्स वाली चीज नहीं पूछ रहे, तो एक्स को क्या कर दो, सबसे बेस्ट वे है ये जीरो, जीरो। जैसे ही जीरो रखोगे कहानी खत्म हो गई यहाँ पे आधी। yes, क्या बन के आएगा देखो, जीरो थ्री माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री जीरो जीरो, और ये हो गया अपने पास माइनस वन टू और ये हो गया टू। यस सर, और इधर कौन आ गया, एफ। जल्दी से आंसर बता, एफ आंसर बता दो जल्दी से।
17 ऑप्शन सी 17 यस सर यस सर ये कैसा लगा कांसेप्ट ये कांसेप्ट पे फोकस करो बढ़िया सर जी भाई इतनी भयंकर चीज दी थी बड़ा खतरनाक सा दिया और जनरली हम क्या क्या सोचते हैं कई बार हम क्या सोचते हैं एक्सपेंशन कर दूंगा कंपेयर कर लूंगा ऐसे तो पढ़ते हैं भाई एक्सपेंशन करेंगे कंपेयर कर लेंगे एबीसीडी आ जाएंगे लेकिन उसने ना फंसा दिया मेरे को उसने कांस्टेंट पूछ लिया एबीसीडी पूछ ही नहीं रहा भाई और सपोज एबीसीडी पूछता फिर सर एक्सपेंशन करना पड़ता और वो बड़ा लेंदी होता मैं लग जाता चलो एक और सिग्मा वाला दिख रहा मुझे यस सर ये देखो एन कहाँ यूज हो रहा है एन क्योंकि एन से मतलब है इसे बस एन यूज हो रहा है पहले कॉलम पे जी सर और इसी में ही आपकी एपी जीपी वगैरह सब कुछ लगेगी एपी इसी में अंदर लगेगी यस सर बेटा कल खत्म हो रहा है अपना ये अब ये बताओ कल कौन सा चैप्टर और शुरू कर दूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं सर इंटीग्रेशन और कोई तो नहीं रह रहा अपना क्यों नो सर चलो इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे फिर तो इसमें कंसेप्ट समझ में आया क्या करना है अपने को पहले कॉलम में एन के प्लेस पे 1 2 3 ऐसे रखता जाऊंगा यस सर तो ये जो कॉलम बनेगी ये कॉलम बनेगी ऐसे 1+1+1+ के टाइम यस सर यहाँ के हिसाब से बनेगा 2+4+6+10 यस सर यहाँ के हिसाब से क्या बनेगा 1+3+5 यस तो ये एपी बन गई अपनी यस सर बेटा मैं तो ऐसा कोई फॉर्मूला याद करके आया हूँ क्या पीछे यस सर यस सर ये लगते के साथ ही ये तो अपना के बन जाएगा लेकिन दोनों में के लिए लगाना है आपको यस सर और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करके रो कॉलम एडजस्ट करके एक्सपेंशन और जब एक्सपेंशन करके लाओगे तो मुझे जहां तक याद है ये 72 कुछ आ जाएगा 9 और 8 वगैरह करके ये आएगा ऐसे यस सर और के प्लस 1 ऐसे कुछ आएगा यस सर और के की वैल्यू 8 हो जाएगी यहाँ पे ठीक है भाई जी सर हाँ के की वैल्यू 8 ही है बेटा सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए सर क्वेश्चन ले लो अपना जी थोड़ा सबमिशन वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे सर सबमिशन वाले में ये देख लो कि आपको सिग्मा के साथ कौन सा दिया है जैसे उसने कहा एन के लिए तो जहां एन है ना केवल उस वाली में बदलाव करो बाकी दो कॉलम या दो रो वो एज इट इज रह जाएंगे और जब अपना एपी लगा के लाओगे कहीं कहीं जीपी भी लग सकता है एपी या जीपी लगा के लाओगे तो आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा सम के लिए एस एन वाला ठीक है yes, और सम ऑफ एपी लगा लो या सम ऑफ जीपी कोई एक जरूर बनेगा yes, और जब सिंपलीफाई करोगे अपने आप इजी सा नजर आ जाएगा वो एपी जीपी लगने के बाद सम की कंडीशन yes, yes, ठीक है बेटा yes, चलो तो आज की क्लास यही ओवर कर रहे हैं